बुलंदशहर में खाकी पर एक बार फिर ऐसा बदनुमा दाग लगा जिसे मिटा पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ दहेज प्रथा के मुकदमे की जांच कर रहे बिलसुरी चौकी प्रभारी पर मुकदमे की वादी विवाहिता को मैसेज करने और अश्लील वीडियो भेजने का आरोप है। पीड़िता ने एसएसपी को मैसेज के स्क्रीनशॉट दिखाकर आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसएसपी ने आरोपी दरोगा को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, तीन दिन पहले मेरे पास व्यक्तिगत स्रोतों से जानकारी आई थी कि एक सब इंस्पेक्टर जो किसी मुकदमे की विवेचना कर रहे थे, उस मुकदमे के वादिया के साथ अश्लील किस्म के वीडियो चैट करने के संबंध में जानकारी मिली थी। उस समय तक उस पीड़िता ने मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, लेकिन हमने प्राथमिक जांच कराई। आरोप सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उस मुकदमे की विवेचना एक अन्य विवेचक को सुपुर्द कर दी गई। इंसाफ की गुहार लेकर बुलंदशहर एसएसपी दफ्तर पहुंची ये पीड़िता सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली है। पीड़िता के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पीड़िता का अपने ससुराली जनों से विवाद चल रहा था। मामला सिकंदराबाद कोतवाली में दर्ज है और मुकदमे की जांच बिलसुरी चौकी प्रभारी कर रहे हैं। आरोप है कि जांच आगे बढ़ाने के नाम पर दरोगा ने पीड़िता से उसका नंबर ले लिया और पीड़िता के व्हाट्सएप पर मैसेज और अश्लील वीडियो भेजने लगा। मेरा दोस्त के टावर मामला चल रहा था 2019 में, 10 सितंबर 2019 का। मैं और मेरे पापा चार्जशीट को लेकर बिलसुरी चौकी पे गए। वहाँ जाने के बाद अजय प्रकाश सिंह ने पापा का नंबर मांगा। पापा ने बोला कि मेरा नंबर ले लो, लेकिन अजय प्रकाश सिंह ने मना कर दिया और वो बोले नहीं, लड़के की जरूरत पड़ेगी, लड़के का नंबर दो। नंबर मेरा उन्होंने ले लिया। उसके जस्ट बाद उन्होंने 2 घंटे बाद कॉल की। कॉल करने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर उसी शाम से ही 23 जून से मेरे पास मैसेज करने लगे नॉर्मल। उसके बाद बात करते करते उन्होंने मुझसे नाजायज संबंध बनाने के लिए बोला, जो कि उन्होंने मेरे पास गलत मैसेज करवाए हैं। किसी मैसेज में लिख रखा है सोनू अब इंतजार नहीं होता, किसी में पूछे, जो कि बहुत ज़्यादा घिनौने हैं। ये मैं शिकायत एसएसपी सर के पास लेके आई। सर को मैंने सारे सबूतों के साथ अपनी एप्लीकेशन दी। सर भी हमसे बोले तुरंत ही, यानी हमसे गलत उन्होंने प्रयोग किया सर। हमसे बोल रहे हैं सर कि किसी और पे आरोप लगा रहे हो, या DIG फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पद को लेकर रहता है तो हमसे ये अधिकार है कि किसी आम आदमी से गलत तरीके से बात करेगा। सिर्फ हम अपना अधिकार ये जानना चाहते हैं। प्रकाश सिंह ने मुझसे नाजायज संबंध बनाने के लिए भी बोला कि अगर आप एक रात के लिए मेरी चौकी पर आ जाओगे तो चार्जशीट मैं आपके फेवर में लगाकर भेज दूँगा, जो कि हमने इस बात के लिए मना किया। इसी बात को लेकर हम SSP दफ्तर आए हैं और सर से अपनी रिक्वेस्ट लगी है तो सर ने भी हमें उल्टा धमका दिया। सर हमसे बोलने लगे कि किसी और को मत फंसा लेना। समझ में नहीं आता कि वो पुलिस वाला कैसा था जो अपने पति की सगी नहीं हुई वो किसकी होगी। यानी हमें उल्टे आरोप लगा रहे हैं सर, जो कि हम सबूत देने के बाद भी बोल रहे हैं कि सर आप हमारे फोन रिकॉर्ड सारे चेक करा दीजिए, लेकिन फिर भी सर हमसे अनुद्धता से बात कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये जानना है अगर कोई भी इंसान किसी पद पर है, क्या आम आदमी से वो इस तरीके से बात करेगा। इतना ही नहीं, आरोप यहाँ तक है कि आरोपी दरोगा पीड़िता से रात में चैट करने का दबाव बनाता था। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर SSP ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कानून के रखवाले इस तरह की अश्लीलता पर उतारू हो जाएंगे तो फिर इंसाफ के लिए पीड़ित आखिर किसका दरवाजा खटखटाएंगे। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।